जब बिटिया की पिताई होती है, जब लड़की अपने ससुराल जाने लगती है शादी के बाद, तो उनके परिवारजनों की क्या हालत होती है। तो बिटिया, समझदार बिटिया अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने भैया भतीजों से कहती है, पवन जी भैया एक प्रोग्राम आप पवन कैसेट पठाक टीकमगढ़ के माध्यम से देख रहे हैं, इसके प्रोफेसर निर्माता निर्देशक रमेश भैया। बिटिया कभी थी गुड़िया कभी थी, बिटिया कभी थी गुड़िया कभी थी, बहना कभी थी तेरे आंगन की, अब बिटिया हो अब सजनी अपने साजन की। धनी यादव बहुत पुराने कलाकार हैं, कितना अच्छा चीका वादन कर रहे हैं। जब लड़की की माता रोती है तो लड़की समझाती है, ओ मेरी मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। हो चाहे मेरे धन की, लेकिन अब बिटिया हो अब सजनी अपने साजन की। उसका भैया रोता है, लड़की अपने ससुराल जाने लगती है तो उसका भैया रोता है, तो एक समझदार बहन अपने भैया से कहती है, क्यों रोता है ओ मेरे भैया, मैं हूं द्रौपदी तू है कन्हैया। रोता है ओ मेरे भैया, मैं हूं द्रौपदी तू है कन्हैया। पवन कैसेट स्टूडियो बुंदेलखंड में नंबर वन चल रहा है यह चैनल इतना अच्छा है कि यहां कोई गंदे गीत नहीं गाए जाते हैं, नंबर वन पे चल रहा है पवन कैसेट। हमें कई स्टूडियो वालों ने फोन किया है कि दाऊ साहब हमारे थे आ जाओ, लेकिन हम कस्तमाए थे नहीं आने, हमें थे हम अपने पवन कैसेट पे गाए।
हूँ द्रौपदी तू है कन्हैया। याद करना रक्षा बंधन की हो अब बिटिया हाँ अब सजनी अपने साजन की समय उस जाने वाली सखी की सहेलियां रोती हैं। पवन जी जाने वाली सखी की सहेलियां रोती हैं तो सखी सखी से बिछड़ती है तो सखी सखी से क्या कहती है? क्यों रोती हो संग की सहेली मैं बन गई एक नारे नबे क्यों रोती हो संग की सहेली मैं बन गई एक नारे नबेली। याद आ गई मुझे बचपन की सखी को कब याद आ गई? याद आ गई मुझे बचपन की अब बिटिया हो अब सजनी अपने पिता रोता है। जब लड़की ससुराल जाती है तो लड़की का पिता रोता है तो लड़की समझाती है अपने पिताजी को कि पिताजी तो पिता कहता है बहुत महत्वपूर्ण बात सबसे खास बात वो यह रिकॉर्डिंग आप पवन कैसेट पठाट टीकमगढ़ के माध्यम से सुन रहे हो और जिसके प्रोफेसर हैं रमेश भैया। क्यों रो पिता कहता है कहता है पवन भैया तू सर की सर ताज है बेटी दोनों को लेकी लाज है बेटी। लड़की का पिता कहता है कि तू सर की सरताज है बेटी दोनों कुल की लाज है बेटी हमको आमंत्रित पार्टी वालों ने किया है। तू सर की सर ताज है बेटी दोनों कुल की लाज हर असुअन की अब बिटिया हो अब सजनी अपने साजन की
महत्वपूर्ण बात है। जब वो लड़की अपने साजन के घर में पहुंच जाती है, ये धार्मिक चैनल है पवन भैया का, पवन कैसे पठा ठीक उमड़, यहाँ कोई गंदे गीत नहीं गाए जाते हैं। जब वो लड़की अपने साजन के घर पहुंच जाती है तो अपने साजन से कहती है आखिरी बात, मांगी भी तेरी सिंदूर भी तेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, मांगी भी तेरी सिंदूर भी तेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, मैं दासी पति चरणन की, अब बिटिया अब बिटिया हो अब सजनी अपने साजन की। बिटिया कभी थी गुड़िया कभी थी, बहना कभी थी तेरे आंगन की, अब बिटिया हो अब सजनी अपने साजन। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया पवन कैसेट पठा टीकमगढ़ के माध्यम से।